हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अनुज कुमार सिंह, शिक्षा धाम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास होने वाली है, खास इसलिए क्योंकि आज हम देखेंगे एनईपी सेमेस्टर 2 बिजनेस। आपका बीकॉम ऑनर्स हो चाहे आपका बीकॉम प्रोग्राम हो, बच्चों का कहना है सर बुक बता दीजिए। मैं सिर्फ आज कॉरपोरेट का, और धीरे धीरे मैं इसी तरीके से सभी बुक का मैं बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ कॉर्पोरेट पे डिस्कस करेंगे। अब काफ़ी बच्चों के सवाल क्या है सर, कि सर कॉर्पोरेट में बुक लें, 10 ईयर लें, सेल्फ स्टडी करें, जो आप नोट्स प्रोवाइड करते हो वो इनफ है, या क्या है, कैसे करें, नहीं करें, बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, आपको कौन कौन से बुक्स होने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्केट के अंदर क्या क्या बुक्स अवेलेबल होती है कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए, बेसिकली जो कि चलता है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जो बाहर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो भी ये फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है सारी किताबें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कौन कौन से बुक है, कहीं ना कहीं आपने कॉलेज में भी सुना होगा, और इसमें मेरा कोई भी ऐसा, मैं अगर बुक्स का रिकमेंडेशन या फिर मैं बुक्स के बारे में बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है सच। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बुक्स की बात करें, एक एक करके हम देखेंगे फटाफट से कि कौन कौन से बुक्स हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक्स के, ज़्यादा विदाउट डिले किए हुए एक एक करके ऊपर समझेंगे। सर तो आ जाते हैं हम बुक्स के ऊपर सर। तो सर सबसे पहले हम बुक की बात करते हैं, तो एक बुक है, थोड़ी फट गई है ये, वैसे नई बुक है ये, तो कॉर्पोरेट अकाउंट जे आर मुंगा। सर कॉर्पोरेट अकाउंट जे आर मुंगा की बुक है, जिसके अंदर आपका ऑनर्स प्रोग्राम दोनों अमेजोन पे भी अवेलेबल है, अंदर से देख सकते हैं बुक में क्या कंटेंट नहीं है, और साथ के साथ इसकी आप क्या देख सकते हैं सर, मोटाई। आप मोटाई देख सकते हैं कि कितनी मोटी बुक है और कितने पेजेस की बुक है। इसके साथ साथ सर एक और बुक आती है, एक और बुक है, दैट इज आपका पीसी तुलसियान। आपका पीसी तुलसियान आता है एक अकाउंट्स की बुक, कॉर्पोरेट अकाउंट की। ये रही आपके सामने, सारी नई बुक है, कोई भी पुरानी बुक नहीं है, मार्केट में इसी तरीके से बुक मिलेगी, इसके अंदर भी आपको सारा कंटेंट्स मिल जाएगा। दो राइटर के मैंने बुक के नाम बता दिए। इसके बाद अगले बुक पे चलते हैं सर, एक आता है हमारा बी के यानी भूषण कुमार गोयल, तो एक बुक ये आती है आपकी। तो कॉर्पोरेट अकाउंट में अगर बुक्स के अप्रोच की बात करें, जो बच्चा बुक से पढ़ना चाहता है, तीन बुक अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और तीनों बुक हमारे पास मैंने बता दिया है सर। ये सारी बातें ठीक है, और क्या है सर इसके साथ, आपको इसके सपोर्टिव के लिए और इसके साथ साथ क्या करना चाहिए उसकी भी बात करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट जो हर बच्चों को चाहिए सर, क्या सर, कॉर्पोरेट अकाउंट्स का 10 ईयर। अब 10 ईयर दोनों ही मार्केट में आ चुका है, नंबर 1 आपका कॉर्पोरेट अकाउंट का भी और ऑनर्स का भी प्रोग्राम का, दोनों देख रहे हैं। मैं बच्चों को कहूँगा, जो बच्चे बहुत डिटेल्ड पढ़ना चाह रहे हैं और एक उनको आगे एजुकेशन लाइन में जाना है या किसी तरीके से जाना है, तो बुक्स भी ले सकते हैं, मैंने तीनों बुक आपको रेफर कर दिया, ठीक है। अब सर एग्जाम किस में से आता है, तो एग्जाम देखिए कॉन्सेप्ट में से आता है, किसी किताब में से नहीं आता, पहली बात आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट में से आएगा किसी किताब में से। 10 ईयर क्या है सर, 10 ईयर पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। इसको इस बार मैंने डिजाइन किया है और होपफुली बच्चों को हेल्प मिले, और काफी मेरी कोशिश ये रही है कि आपको बहुत अच्छे से मिले। सर क्या क्या कंटेंट मिलेगा, हर किसी का मैं कंटेंट में दिखा देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है एक एक करके, फिर हम 10 ईयर पे लास्ट में आ जाएंगे। सर इसके कंटेंट में आप देखिए, और मैं किसी बुक की कोई बुराई नहीं कर रहा, नो डाउट सभी बुक अच्छे हैं, सभी बुक के अंदर अच्छे कंटेंट्स गिवन है, ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बुक बेकार है ये बुक अच्छा है, वो पढ़ने पढ़ने का अपना नजरिया होता है लोगों का। तो ये सारे सिर्फ चैप्टर्स हैं, और चैप्टर्स के अंदर इसके अंदर क्या मिलेगा, सेम जैसे कि हर बार अप्रोच होता था, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिलेगा और इलस्ट्रेशन मिलेगा, और इलस्ट्रेशन के साथ साथ आपको फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल भी मिलेंगे, और पहले से जो कॉन्सेप्ट गिवन है इस टाइप्स के बुक्स मिलने वाला है ये। ये है हमारा बी के गोयल। दूसरे पे आ जाते हैं सर, सर इसके अंदर थोड़ा सा इसका ना अप्रोच अलग होता है, पीसी तुलसियान का बुक है ये, इसके अंदर आपको डिटेल डिस्कशन मिल जाता है, आपको डिटेल डिस्कशन के साथ साथ मतलब सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड किसी भी किताब में, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड से तीनों किताबों में उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है सर, सबसे पहले इलस्ट्रेशन वगैरह होंगे, इलस्ट्रेशन के बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप के भी होते हैं, और आपके कुछ
कंप्रेहेंसिव इलस्ट्रेशन भी देते हैं ये, जिसके अंदर खूब सारे ढेर ढेर भर भर के एडजस्टमेंट देते हैं। होपफुली आपको दिख रहा होगा उसके हिसाब से। मेरा थोड़ा कैमरा उल्टा है तो उसकी कोई दिक्कत, मतलब कि बड़ी बात नहीं है, मुझे बस समझाना था। तो सारा चैप्टर इसमें भी सारे के सारे आपको चैप्टर्स मिल जाते हैं। साहब जे आर मोंगा का क्या है? जे आर मोंगा वन ऑफ द पॉपुलर बुक रहता है डीयू के अंदर, लेकिन मैं सिंपली कहूँ कि पिछले 2 सालों से मैं क्वेश्चंस, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, मैं भी बुक रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस पेपर का थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदलने का मतलब मैं बात करूँ तो सर सिंपल सी बात है, सिर्फ क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न नहीं बदला है, पैटर्न के साथ साथ मार्किंग स्कीम बदल गया, सिलेबस बदल गया, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए मैं आपको कहूँगा कि आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देना है, ना कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कर लें, ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है ये कर रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो आप बड़े अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, मेरा यही इस बार टारगेट है। चलिए अगली बुक की हम बात कर रहे थे तो जे आर मुंगा पे आ जाते हैं सर। इसके अंदर भी सेम चैप्टर्स गिवन है आपको, और सारी चीज़ें गिवन है, सारे चैप्टर्स गिवन है सर। ये बुक इतनी मोटी मोटी बुक है और 10 ईयर इतनी पतली क्यों? चलिए सर, मैंने तीनों बुक दिखा दी आपको, जिन बच्चों को जो बुक लगती है। अब आ जाइए हमारे लास्ट 10 ईयर। मैंने इस बुक के अंदर क्या करा, सभी बुक को देखते हुए, सभी बुक्स को एक्सपीरियंस करते हुए, मेरा ये कहीं भी से भी इंटेंशन नहीं है कि आप ये करें और ये ना करें, ठीक है ना। सभी बुक को देखते हुए और समझते हुए मैंने कुछ डिज़ाइन किया है, किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है, दोनों आ गया वैसे। चलिए सर, सबसे पहले इस बुक को 3 पार्ट में मैंने बांट दिए हैं। 3 पार्ट में बांटने का मतलब क्या है सर? सबसे पहले, और देखिए पढ़ाई को कभी भी ना आप अमाउंट से मत तोलिएगा, पैसे से ना तोले तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, आप जीवन में जल्दी सक्सेस करेंगे इस बात को लेके। कुछ बच्चे बोलते हैं महंगी सस्ती कुछ नहीं होता, सर बुक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैंने बनाया है तो मुझे भी पता है। 3 पार्ट के अंदर कैसे तोड़ा है मैंने, सबसे पहले आपका ये थ्योरिटिकल जितने भी यूनिट होंगे यहाँ पे आपको थ्योरी मिलेगा, फिर उस यूनिट के सारे प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, फिर लास्ट में आपको यूनिवर्सिटी। टोटल 17 चैप्टर हैं आपके, एक दो चैप्टर मुझे मर्ज करना पड़ा, आप मान के चलिए 18 से 19 चैप्टर में ये जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा सिलेबस है। और फिर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन, आपके पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं थ्योरी के सब डाल दिए हैं, और सबके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लिखे हुए, जितने भी पास्ट ईयर के थे सारे डाल दिए हैं, और सभी के आंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, विद आंसर हैं ये सारे क्वेश्चंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे ये 2015 में पूछा गया था, शायद आपको विजुअल हो ना हो मैं नहीं जानता, तो ये 2015 में पूछा गया था, मैं कोशिश करता हूँ विजुअल हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ, मुझे एक समरी देना था 2015 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी क्या। तो देखेंगे आप उसके ना आंसर भी लिखे हुए हैं, और आंसर उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मैंने कोशिश करा है कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 के हिसाब से। बुक के अंदर एक चीज़ है कि बुक लर्निंग के लिए, अगर बुक में यही आंसर देखेंगे तो शायद 1.5 पेज का मिले, लेकिन हमें पूरा 1.5 पेज एग्जाम में नहीं लिखना, उसमें से 2 द पॉइंट लिखना है, तो वो चीज़ आपको एक यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा सर, दूसरा सर, यहाँ पे हमने क्या किया है आप देखेंगे यहाँ पे, तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स के देखेंगे इतने क्वेश्चंस डाल दिए मैंने हर चैप्टर के सीक्वेंस से। और मजे की बात मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जो इसके अंदर हमने सीक्वेंसिंग डाली है ना, जो इसके अंदर हमने सीक्वेंसिंग डाली है वो क्या है, मतलब बुक के फॉर्मेट में मैंने कोशिश कराया बनाने को। कैसे बनाया सर? पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस लिए और उसको कॉन्सेप्ट वाइज करवाया है, और इसके वीडियोस भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी बहुत इजीली, यहाँ पे वीडियोस है विद कॉन्सेप्ट के साथ, सारी वीडियोस मिल जाती हैं इनकी अवेलेबल इनके 10 ईयर पे कॉन्सेप्ट के ऊपर साथ साथ, ठीक है ना। तो ये आपके पूरे चैप्टर वाइज, और एक एक चैप्टर के कम क्वेश्चंस नहीं डाले मैंने, एक एक चैप्टर के मैंने यहाँ कम ध्यान क्वेश्चंस से नहीं देखें, देखे। आप देखें यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, वीडियो स्कैन कर सकते हैं सर, और इसके अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर विद सॉल्यूशन, और इनके वीडियोस भी मिल जाएंगे। ओके सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वीडियोस कितने का होगा आप जाके इनके स्कैन करके वहाँ पे देख सकते हैं, वो उनका टीम डिसाइड करता है क्या वीडियो रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो अभी देखें आप, सिर्फ मैं शेयर कैपिटल लेके चल रहा हूँ, तो भाई साहब शेयर कैपिटल के कितने क्वेश्चंस हैं, तो शेयर कैपिटल के देखिए टोटल कहाँ गया सर, कहाँ गया, ये तो इसोप के आ गया,
ये शेयर कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन ये है, तो बहुत प्रैक्टिस के पर्पस के लिए हमने 22 क्वेश्चन डाले हैं। देखो शेयर कैपिटल के कितने क्वेश्चन है सर, 22 क्वेश्चन 2015 और एग्जाम में आए हुए हैं। दूसरा, बच्चों को लगता है कि सर और प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो देखिए यहाँ QR कोड डाल दिया है जिसके अंदर आप और ज्यादा क्वेश्चन स्कैन करके अभी अपलोड होने चालू हो जाएंगे। सर साथ के साथ सारे चैप्टर के मिलेंगे क्या? बिल्कुल हाँ सर, सारे चैप्टर के, और साथ के साथ आपका 1 और 1, क्योंकि इसका नाम क्या है हमारा 10 ईयर, हम फेमस होता है 10 ईयर के नाम से। आपको सारे यूनिवर्सिटी के जितने पेपर्स आए हैं, जैसे कि मैं बात करूं अगर पिछले साल क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, क्योंकि आपका जानने का होता है ना कि भाई पेपर कैसा आता है, पेपर तो पता चले। तो देखिए कहाँ गए भाई साहब, ये देखिए 2022 का पेपर, 2022 का पेपर आया था, उसके क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मेजरली बच्चे जो इसको खरीदते हैं ना, उसका मेन इंटेंशन होता है कि हमें पिछले 10 सालों के, लगभग देखो 17 से डाले हुए हैं, तो पिछले 10 सालों से जो भी पेपर है उसका सॉल्यूशन। अब सवाल एक और आएगा बच्चों के मन में, अगर नहीं आए तो मैं ला के दे देता हूँ एक सवाल कि सर इसके अंदर 10 साल तो अभी हुए नहीं, अभी तो फर्स्ट टाइम हम पेपर देंगे, तो ये 10 साल के पेपर जो कॉर्पोरेट अकाउंट कभी बदलता नहीं भाई साहब, कॉर्पोरेट अकाउंट वही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पेपर है जो कि आपको हेल्प करेगा। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से तो पूरा समझ में आ ही चुका है होगा। और मेरे तो ओवरऑल हमें क्या लेना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए हम बात करते हैं। तो सर जिन बच्चों को बहुत डिटेल में स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना है, आगे चल के CA CS सोचा हुआ है, वो बुक ले सकते हैं। 3 बुक अवेलेबल है सर, JR मुंगा और BK गोयल, और एक है हमारा PC तुलसियान। सर PC तुलसियान का के अंदर थोड़े से सवाल आपको टफ मिलेंगे, BK गोयल में थोड़े से आसान मिलेंगे, और JR मुंगा में उससे थोड़े से आसान मिलेंगे, यानी डिफिकल्टीज लेवल। 10 ईयर के अंदर आपका देखा जाए तो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। ये आपका 10 ईयर है, अरे हाँ सीधा ये 10 ईयर है, इसके अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। तो 10 ईयर तो सर आपको लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि 5 ईयर के पेपर के बिना आपको दिक्कत होगी। बाकी आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक किताब और ये 10 ईयर भी लें। अब किताब आपको डिसीजन लेना है कि टफ वाला लेना है, क्या लेना है। मेरे से अगर कोई बच्चा पूछता है कि कौन सी किताब लेना है, तो मैं कहूँगा भैया आप अपना लेवल देखिए पहले। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब के बहुत ज़्यादा अकाउंट्स अच्छे से 12th स्टैंडर्ड में था आपका, तो मैं कहूँगा PC तुलसियान ले लीजिए। बोलिएगा सर 100-100 हम पढ़ के थोड़ा बहुत देख ले, तो BK गोयल ले लीजिए। बोलिए सर बस एग्जाम ओरिएंटेड हम करके चले जाए, तो JR मुंगा ले लीजिए। और इस 10 ईयर को लेने के बाद देखो मैं प्रमोशन, देखो मैंने इसको बहुत मेहनत करके बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी सारे बच्चे लेते ही हैं ये, तो क्योंकि इसी बेसिस पे रहता है सारा। तो बहुत कुछ करने के बाद आप 10 ईयर ले सकते हैं, और 10 ईयर के अंदर भी आपको सारा का सारा सॉल्यूशन और क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो मैंने सारा रिव्यू कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन सर प्रायोरिटी बेसिस पे आप 10 ईयर लीजिए, 10 ईयर में से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और बहुत अच्छा आपको करना है तो आप ले सकते हैं PC तुलसियान ले सकते हैं। PC तुलसियान क्योंकि कुछ सवाल मैंने पास्ट देखे हैं कि इस बुक में से भी पूछे जा रहे हैं, और सर और आपकी इच्छा है कैसे करना है, JR मुंगा या BK गोयल ले सकते हैं। तो बस मुझे यही बताना था, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर और भी मैं किताबों के बारे में बताऊंगा, किस किताबों में क्या चीज़ें हैं और क्या कंटेंट है और किस हिसाब से पढ़ना है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका चैनल है।